किसकी बर्थडे है? किसी के लिए ऐसे ही लाया, ऐसे ही बोला है भाई। अच्छा ये देखो केक आया, बच्चों का कट करने लगे हैं। ये देखो छोटा आया है, चलो पूरे खड़े हैं, चलो सारे बच्चे हाथ पकड़ो, हैप्पी बर्थडे। सब बच्चे बारी बारी केक कट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। मुझे भी वो देखो केक कट हो गया, वाह। फैन ये पकड़, तू भी पकड़ ले। ये देखे जी, वाह। चलो मेरी बारी। हमें अजीत ही एक केक ले लिया, हमें जरूर मैं कौन दमियों के मां सब बच्चे। मोर आपका केक कहां है? ये लो सब ज्यादा। अच्छा अच्छा ये लो, ये देखो ये बास का केक, चलो ये देखो मूसा का केक, वाओ। चलो चलो खाओ, अब सारे बच्चे बैठ के नीचे खा लो, खा लो सारे बच्चे। सीधा करके दिखाओ, वाओ लेज खाने लगे हैं। कौन कौन खाएगा? सब बच्चे बच्चे। मुंह पे क्या लगा हुआ है? मूसा को नहीं मिलेगा लेज। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी और मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, और हम पंजाब के जो सर्दी है वो एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें नूर कहाँ बैठी हुई है, नूर ने काजल लगाया हुआ है आज। और यहाँ पे ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लकड़ियाँ जलाई हुई हैं, और मैं बना रही हूँ आज पुलाव। ये देखें आग का पुलाव, आग में और मेहनत का किया हुआ पुलाव बना रहे हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे ये देखे चावल भिगो दिए हैं, और यहाँ पे ये यखनी भी बन गई है, ये भी आग पे हमने गोश्त को गलाया है। तो आज सब ने बोला है कि आप बनाओ पुलाव, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे, तो आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे आग पे पुलाव कैसे बनता है। तो यहाँ पे ये देखे प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं, साथ ही मैंने यहाँ पे अदरक पीस के रखा हुआ है, और यहाँ पे हरी मिर्चें लहसुन ये इसमें पीस लिए, तो ये भी ऐड कर देंगे जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे। मैं इसमें डाल देती हूँ ये वाला मसाला जो हमने पीस के रखा हुआ है, तो मैं जल्दी से जो है ना आग ज़्यादा हो गई है तो मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ, फिर प्याज को जल्दी। यहाँ पे ये देखे मैंने सारे मसाले डाल दिए, ये देखे यहाँ पे ये देखे प्याज जो अच्छी तरह ब्राउन हो गया है, मसाला अच्छी तरह भून गया। मैं इसमें गोश्त डाल देती हूँ, बस हो गया। यहाँ पे आलू मैंने डाल दिए हैं, बच्चे शौक से खाते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ गर्म मसाला पिसा हुआ, ये देखे ये गर्म मसाला, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं, ये ग्राइंड की है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इस पर पानी लगा देंगे, तो उसके बाद ये जो है ना चावल ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पे मैंने डाल दिया है, 3 गिलास यखनी के थे और 2 ऊपर से पानी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि चावल जो है वो नए हैं तो इसमें पानी जो है वो कम लेते हैं। पानी मैंने ऐड आखिरी गिलास से वो है डाल रही हूँ इसमें, 3 गिलास चावल है, 5 गिलास यहाँ पे पानी ऐड कर रहे हैं, तो एक उबाला आएगा तो इसमें चावल ऐड कर देंगे। यहाँ पे अब मैं ढकना दे दूँगी और 3 से 4 मिनट इसको उबाला आने दूँगी, उसके बाद हम चावल इसमें ऐड कर देंगे। नमक मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पे ये देखे हमारे पुलाव जो है वो बन के तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का बना है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी। तो यहाँ पे ये देखें
ये देखे अनाया जी को चावल कहते हैं, अब्दुल बासित बोल रहा है। तो यहाँ पे सारे बच्चे माशाल्लाह से बैठ के खाना खा रहे हैं। छोटी चमची मेरी, बड़ी चमची, खाना खा रहे है। ये हमारा मूसा है, ये चावल खा रहा है। चलो वहाँ बैठ के खाओ। हाँ।